नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज छठ महापर्व के दूसरे दिन मनाया जाएगा खरना। अधर में लटके हाईवे निर्माण को लेकर बिहार सरकार ने दिया आश्वासन। राज्य में टैलेंटेड शिक्षकों की खोज शुरू। उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेंगी बसें। अमिताभ बच्चन ने गलत अंग्रेजी लिखने के लिए बिहारी फैन से मांगी माफी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज छठ महापर्व के दूसरे दिन मनाया जाएगा खरना। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ बीते दिन से शुरू हो गई है, जिसके बाद आज खरना मनाया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तारीख को खरना मनाया जाता है। खरना में दिन भर व्रत के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर खाकर उसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं। खरना को लोहंडा भी कहते हैं। छठ पर्व में इस दिन का विशेष महत्व होता है। नहाए खाए वाले दिन घर को पवित्र कर व्रती अगले दिन की तैयारी करती हैं। जब खरना आता है तो सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखती हैं। इस दौरान अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी खीर बनाई जाती है। इस खीर को कुछ जगहों पर रसिया भी कहते हैं। इस पूजा का मकसद अर्घ के लिए शुरू होने वाले कठिन व्रत से पहले तन और मन को शुद्ध करना होता है। पहचान में हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। देवकी नंदन खत्री का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 जून 1861 को हुआ था। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसा स्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलस्म, अय्यार और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया था। जितने हिंदी पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए हैं। सीएम नीतीश ने नहाए खाए के दिन सुनी फरियादियों की गुहार। बीते दिन नहाए खाए के दिन सीएम नीतीश ने अपने पास आए सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाने, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायत को सुना, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों पर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 16 तारीख को विस्तृत मीटिंग की जाएगी। हमने डीजीपी को साफ कह दिया है कि शराब 2-3 जिलों में कैसे जा रहा है, इसका मतलब कि जांच नहीं हो रही है। वैसे जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अनुपस्थित रहने वाले गुरुजी पर गिरेगी गाज। बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था पहले ही सवालों के घेरे में रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की अनुपस्थिति भी है। लेकिन अब शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर सख्त होने वाला है, जिसके तहत विभाग ने योगदान नहीं करने वाले अनुपस्थित शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों में प्रतिनियुक्त 5,317 शिक्षकों को हटाते हुए तत्काल प्रभाव से मूल विद्यालयों में योगदान करने का आदेश दिया गया था। आदेश के बाद भी इनमें से 127 शिक्षक न अपने मूल विद्यालयों में लौटे और न ही प्रभार दिया है। शिक्षकों के इसी रवैये को देखते हुए अब कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। के हाईवे निर्माण को लेकर बिहार सरकार ने दिया आश्वासन। बिहार में जहां एक तरफ बिहार सरकार सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई हाईवे ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य NHAI की सुस्ती के कारण अटका हुआ है। यही कारण है कि बिहार सरकार अब ऐसे हाईवे के निर्माण को लेकर जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है, जिसके तहत ही अब आमस दरभंगा 4-लेन सड़क का निर्माण भारतमाला श्रृंखला के तहत करवाया जा रहा है। वहीं बिहटा से दानापुर के बीच एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कर NHAI को उपलब्ध करवा दिया गया है। बेगूसराय बाजार को जाम से मुक्ति दिलवाने के लिए वहां 4.2 किलोमीटर लंबाई से एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जाना है। वहीं सिवान मशरक 4-लेन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण मामले में 3D किया जा चुका है। धुंध और कोहरे के बीच अर्घ देंगे छठ व्रती।
लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। वहीं इस पर्व के शुरुआत के साथ ही मौसम ने भी अटखेलियां दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में और खास करके भगवान भास्कर को अर्घ देने के दौरान धुंध और कोहरे की संभावना जताई जा रही है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बाबत पूर्वानुमान जारी किया है। महापर्व छठ पर सुबह में ठंड और हल्की धुंध रहने का पूर्वानुमान है। पहले और दूसरे अर्घ के दिन अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तापमान में 1 या 2 डिग्री की गिरावट के आसार जताए गए हैं। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। राज्य में टैलेंटेड शिक्षकों की खोज शुरू। जल्द ही केंद्र सरकार की तर्ज पर शिक्षक पर्व का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बिहार में भी तैयारियां तेज हो गई है। यही कारण है कि बिहार में भी सरकार और निजी स्कूल के टैलेंटेड शिक्षकों की खोज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी के अध्यक्ष DEO होंगे। इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक DM द्वारा नामित शिक्षाविद होंगे। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने राज्य के सभी जिलों के DEO को इससे जुड़ा विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिया है। 18 नवंबर तक शिक्षक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। बिहार के लोक कलाकार रामचंद्र मांझी को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। बिहार के मशहूर लोक कलाकार रामचंद्र मांझी को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है, जो कि आज होने वाला है और वो राष्ट्रपति भवन में होगा। इसको लेकर रामचंद्र मांझी को दिल्ली बुला लिया गया था, जिसके लिए वो दिल्ली पहुंच भी गए हैं। वहीं रामचंद्र मांझी को यह सम्मान मिलने से बिहार में कला जगत में और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर खड़े लोक कलाकारों के लिए नई उम्मीद जग गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिले के नगरा प्रखंड अंतर्गत तजारपुर गांव के रहने वाले हैं। रामचंद्र मांझी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 से भी नवाजा जा चुका है। 5 साल में गंगा नदी पर बनेंगे 18 ब्रिज। बिहार में अब पुलों का जाल बिछने वाला है, जिसके तहत दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी दुरुस्त हो, इसको लेकर प्रदेश की नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए गंगा नदी पर हर 40 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से गंगा नदी पर 18 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद अगले 5 सालों में इसका निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के 100% पूरा होने से और सफल हो जाने पर बारिश के मौसम में प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। अक्सर बारिश के मौसम में पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है, ऐसे में प्रदेश के इस हिस्से में जाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंगा नदी पर पुल बनने से इस क्षेत्र में हर मौसम में यातायात सुचारू रह सकेगा, खासकर राहत एवं बचाव कार्य चलाने में स्थानीय प्रशासन को काफी सहूलियत होगी। अपने ही साथी के हाथों बिहार के 2 लाल की गई जान। अक्सर बॉर्डर पर हमारी रक्षा में लगे जवान दुश्मनों का सामना करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, तो परिवार में दुखों का पहाड़ तो टूटता है, लेकिन एक बार पर गर्व भी महसूस होता है कि उनके लाल ने देश की रक्षा के दौरान अपनी जान गंवाई है। लेकिन उस परिवार पर क्या बीतेगी जिनके लाल अपने ही साथियों के सनक का शिकार हुए हैं। जी हां, बीते दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF 50 बटालियन में तैनात एक जवान ने अपने ही साथियों पर हमला बोल दिया, जिसमें कुल मिलाकर 4 जवानों की जान चली गई, जबकि 3 घायल हैं। दुख की बात यह थी कि इसमें बिहार के 2 लाल राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र सिंह भी थे। राजमणि यादव का पैतृक घर बिहार प्रखंड के कटैया पंचायत के समर दह गांव में है, जबकि धर्मेंद्र सिंह संझौली थाना क्षेत्र में गरुणा गांव के रहने वाले थे, जिसके बाद गांव में मातम फैल गया है। पटना के घाटों पर ना जाए छठ व्रती। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। वहीं आज से व्रतियों का हुजूम भी घाटों पर देखने को मिलने लगेगा, जिसको लेकर प्रशासन भी तैयार है और घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इसी बीच छठ व्रतियों को सावधानी पूर्वक घाट पर जाने की सलाह तो दी ही गई है, साथ ही पटना के इन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। साथ ही साथ लोगों से इस घाट पर नहीं जाने की अपील की गई है, जिसमें कंटाही घाट, टेरी घाट, मिर्चई घाट, महाराज घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, TN बैनर्जी घाट, जजेस घाट, अंटा घाट, जहाज घाट, BN कॉलेज घाट, बांकीपुर घाट, महेंद्र घाट का नाम शामिल है। अमिताभ बच्चन ने गलत अंग्रेजी लिखने के लिए बिहारी फैन से मांगी माफी। पहले गलत हिंदी और अब गलत अंग्रेजी के कारण सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी है। खास बात यह है कि लगातार दूसरी बार उनके बिहारी फैन ने ही उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर गलत अंग्रेजी लिखी। अमिताभ बच्चन ने फेसबुक पर मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद के लिए अंग्रेजी में राइटर्स डुओ के बजाय लिखने की चूक कर दी, तो वहां के एक फैन ने इस तरफ उनका ध्यान दिलाया। सबसे खास बात यह रही कि अमिताभ ने शालीनता के साथ अपनी गलती स्वीकारी और इसे ठीक कर लिया। इतना ही नहीं, राजेश पांडे ने बच्चन से पटना आकर छठ पूजा करने का भी आग्रह किया है। इसके पहले हाल ही में राजेश कुमार ने अमिताभ बच्चन को
उनके फेसबुक पोस्ट में दशहरा और पेशेवर शब्द अशुद्ध रहने की तरफ ध्यान भी दिलाया था। बिहार के बेगूसराय जिले के कांवर झील में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की ओकस्पो झील है। बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की 60 प्रजातियों के लिए आश्रय स्थल माना जाता है। हालांकि दुर्भाग्यवश ये जगह लापरवाही के कारण अपना महत्व खो रही है। साल 2014 में दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशिया में एक वेटलैंड शासन में इस आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति पर चर्चा की गई थी, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा जिससे कि इस झील की खोई हुई चमक वापस लौट आएगी। उत्तर बिहार के 8 जिलों से झारखंड के लिए चलेगी बसें। आने वाले कुछ महीने में रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जैसे शहरों की बिहार से यात्रा आसान होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार जल्द ही उत्तरी बिहार के 8 जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग लोगों को जल्द ही इसकी सौगात देगा। बिहार के कुछ जिलों से अभी भी झारखंड के लिए सीधी बस सेवा है, अब इसे और विस्तार देने की तैयारी है। इससे खासकर उत्तरी बिहार से झारखंड के विभिन्न शहर में सफर करना अपेक्षाकृत कम किराए में संभव हो सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी से झारखंड के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। वर्तमान समय में इन जिलों से झारखंड के विभिन्न शहरों का सफर ज्यादातर ट्रेनों से संभव है। बाल हृदय योजना के तहत 208 बच्चों का अब तक हुआ सफल सर्जरी। बिहार सरकार के बाल हृदय योजना के तहत बिहार सरकार ने यही कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पर हो सके। यही कारण है कि बिहार सरकार अपनी इस योजना को सफल बनाने को लेकर लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तक राज्य के 208 हृदय रोगों से ग्रस्त बच्चों का सफल ऑपरेशन हो गया है। 19 बच्चों को बीते दिन भेजा गया है। पांडे ने यह भी बताया कि बीमारी से बचाने के लिए स्क्रीनिंग के दौरान इलाज की आवश्यकता का पता चलता है। यदि केवल दवा के सहयोग से बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है तो उसे कर भी दिया जाता है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा इस दिन से शुरू। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 5 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके बाद यह सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। शीतकालीन सत्र में बिहार विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत प्रतियों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। बिहार में सोलर बिजली उत्पादन को लेकर रास्ता हुआ साफ। बिहार में 250 मेगावाट सोलर बिजली घर परियोजना का रास्ता साफ हो गया है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन अब यह रास्ता साफ हो गया है क्योंकि दो एजेंसीज ने इसको लेकर दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद एजेंसीज का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेज दिया गया है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में सोलर बिजली घर पर लगाने की कार्रवाई शुरू होगी। बिहार में वर्तमान समय की बात करें तो सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन का काम जोर शोर से नहीं किया जा रहा है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में वर्तमान समय में मुश्किल से 180 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि नियमानुसार कुल खपत का 17% गैर परंपरागत बिजली का होना जरूरी है। बीटीआर में बाघों की निगरानी में लगे कर्मियों की जाएगी ट्रैकिंग। बीटीआर में इन दिनों बाघों की निगरानी के लिए कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसके बाद अब इन तैनात कर्मियों की ट्रैकिंग की जाएगी। हालांकि इसको लेकर एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम एम स्ट्रिप्स मोबाइल ऐप है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कंट्रोल रूम को आसानी से पता चलेगा कि कर्मी जंगल में कहां है कहां नहीं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्मियों पर निगरानी बढ़ाए जाने के लिए जीपीएस आधारित ऐप वन कर्मियों के मोबाइल में डाउनलोड किया गया है। जंगल में गश्त शुरू करने से पहले एंट्री कर ऐप को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद कर्मी जहां जहां जाते हैं उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को मिलती रहती है। ये व्यवस्था मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस के तहत की गई है। बिहार कांग्रेस ने नोटबंदी के सालगिरह को बताया अर्थतंत्री की बरसी। बीते दिन नोटबंदी को पूरे 5 साल पूरे हुए, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर खूब हमलावर रहा, जिसको लेकर ही बिहार कांग्रेस ने नोटबंदी के सालगिरह को अर्थतंत्र की बरसी बताया है। साथ ही देशवासियों से पीएम को माफी मांगने की बात भी कही है। इस बाबत बिहार कांग्रेस ने ट्वीट कर नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए इसे कालाधन की वापसी के लिए पूरी तरह विफल प्रयास बताया है। इतना ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस ने यह भी कहा कि नोटबंदी कालेधन की वापसी के लिए नहीं था, ये युद्ध गरीबों और आम नागरिकों के खिलाफ छेड़ा गया था। इससे कालाधन तो वापस नहीं आया, बल्कि गरीब और साधारण वर्ग के लोगों को काफी परेशानी हुई। देश की जनता को हुई इस परेशानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा 6 अप्रैल तक हर बूथ पर बनाएगी पन्ना प्रमुख।
उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बिहार में शुरू कर दी है। यही कारण है कि पार्टी अगले 6 अप्रैल तक हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने जा रही है। दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निकट भविष्य की भाजपा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर तक प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हो जाएगी। इसके साथ ही दिसंबर तक मंडल स्तर पर कार्यसमिति का पूरा काम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पार्टी बूथ अध्यक्ष कमेटी और पन्ना प्रमुख बनाने के लक्ष्य पर जोर शोर से काम करेगी। जिला स्तर पर 31 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे। ये 3 दिन तक जारी रहेगा। सीबीएसई के टर्म 1 परीक्षा में प्रश्न को समझने के लिए मिलेंगे 20 मिनट। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई की टर्म 1 परीक्षा जल्द ही होने वाली है। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने इस बार 20 मिनट का मौका देने की बात कही है। पहले छात्रों को 15 मिनट ही इसके लिए समय दिया जाता था। इसको लेकर सीबीएसई ने कहा है कि दिव्यांग छात्रों को 1 घंटे की परीक्षा में अतिरिक्त 20 मिनट का समय और 1.5 घंटे की परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सीबीएसई ने स्कूल को निर्देश दिया है कि दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए 1 कक्षा जूनियर छात्र को पहले से ही तैयार रखा जाए ताकि वो उनकी लिखने में मदद कर सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली जल आपूर्ति योजना की औपचारिक शुरुआत 1822 में आज के दिन हुई थी। भारत सरकार ने 1947 में सैन्य कार्रवाई दुधारा जूनागढ़ मुक्त करवाया था। कश्मीर के बड़गांव के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में पहला परमवीर चक्र मिला। हालांकि उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी का जन्म 1980 में आज के दिन हुआ था। जाने माने भारतीय कवि लेखक भाषाविद संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का जन्म 1931 में आज के दिन हुआ था। भारतीय जैव रसायनज्ञ शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हर गोविंद खुराना का 2011 में निधन आज के दिन हुआ था। स्थानीय भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजय दान देथा का 2013 में निधन आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,280 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,520 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.96 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 91.09 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप के कम्युनिटीज फीचर से बढ़ सकती है सिग्नल टेलीग्राम की टेंशन। व्हाट्सएप ने हाल ही में विश्व स्तर पर एंड्रॉइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए मोस्ट अवेटेड मल्टी डिवाइस सपोर्ट जारी किया है। मेटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब कथित तौर पर कम्युनिटीज नाम के फीचर पर काम कर रहा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अपकमिंग फीचर ग्रुप एडमिन के हाथों में अधिक शक्ति देगा और अधिक लोगों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देगा। इस सुविधा के साथ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का लक्ष्य संभवतः सिग्नल और टेलीग्राम जैसे कॉम्पिटिटर्स को चुनौती देना है, जिन्होंने इस साल के शुरुआत में व्हाट्सएप द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी करने के बाद लोकप्रियता हासिल की। कपिल देव ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की लगाई क्लास। अफगानिस्तान के हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जाने का सपना धरा का धरा रह गया, जिसके बाद से ही क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन देश को वर्ल्ड कप दिलवाने वाले कपिल देव ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम अब भविष्य पर ध्यान दें। आपको अभी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए था। कपिल देव ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की प्राथमिकता आईपीएल खेलना है और देश के टूर्नामेंट खेलने को वो प्राथमिकता नहीं देते हैं। कपिल ने साथ ही कहा कि वो बीसीसीआई को इस बारे में सोचने की गुहार कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, कुमार राहुल, माही आनंद, शंकर मुखिया, मनीष मोरा, अखिलेश यादव, अर्जुन कुमार, विनय कुमार, दिव्यांशु कुमारी, उमा शंकर कुमार, आर्यन सहनी, प्रवीण कुमार, सतीश कुमार, अभिषेक राज, रुपेश कुमार, सुभाष कुमार सिंह, सुनील कुमार शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, आपके लिए इस महापर्व में सबसे खास क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।